देखते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या है। तो ऐसा मेटल का ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर का होता हो, क्या लिखते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर इज कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर का भी हो और बेसिक नेचर का भी हो, इसको हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका दो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड ZnO। इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये तो सब पढ़ने तक ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड में ऐसा होता क्यों, इसमें ऐसा नेचर आ कैसे जाता है, ठीक है। हम लोग एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि जो मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर का होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, ये होता है एसिडिक। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ एल्युमिनियम जिंक के साथ ये एसिडिक बेसिक दोनों का कैरेक्टर ले लिया। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम और जिंक ऐसे पोजीशन पर है कि उसके लेफ्ट साइड मेटल है और राइट साइड नॉन मेटल है, समझे। एल्युमिनियम जो होता है पीरियोडिक टेबल में उसके लेफ्ट साइड होता है मेटल, ठीक है, और उसके राइट साइड होता है नॉन मेटल। बिल्कुल यही बात आपका जिंक पर भी लगता है, जिंक के लेफ्ट साइड पे कौन होता है, मेटल्स, और राइट साइड पे कौन होता है, नॉन मेटल्स, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मेटल का नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटल का कैसा होता है, एसिडिक होता है। और एल्युमिनियम जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, दो ऐसा एलिमेंट है जो कि बाउंड्री लाइन पर आ जाता है, उसके एक तरफ मेटल एक तरफ नॉन मेटल, तो उन दोनों की वजह से थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर इसमें दोनों का आ जाता है। और इसी के वजह से एल्युमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोट्रिक हो जाता है, मीन्स इसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का भी हो जाता है और बेसिक नेचर का भी हो जाता है। चलिए इसको कुछ रिएक्शन से समझते हैं। हमने अभी तक पढ़ा एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है और क्यों होता है, अब जरा एग्जांपल लेकर देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। एग्जांपल हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, ये एम्फोट्रिक का मतलब एसिडिक नेचर का भी होगा और बेसिक नेचर का भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये एसिडिक कब होता है और बेसिक कब होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी एम्फोट्रिक ऑक्साइड पर एसिड डाल दीजिए, एसिड से रिएक्ट कराइए, तब ये इसका नेचर बेसिक हो जाता है। देखिए यहाँ साफ दिख रहा है क्या है, HCl एसिड है, तो HCl मींस एसिड के साथ जब ये बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, तो इसका नेचर कैसा होगा, एज ए बेस होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और H2O। आप इसे चाहिए तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ तीन डाल देते हैं, 3H2 और 3Cl हो गया, दो एल्युमिनियम, यहाँ दो कर दिया जाए एल्युमिनियम, आई थिंक 2, 3 जा 6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आखिर ये बेसिक तो हो गया लेकिन अब एसिडिक कब होगा, लेकिन बेसिक नेचर तो पता चल गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का, कब आप एसिडिक देखते हैं, तो हम लोग Al2O3 एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड को लिए, अब इसको बेस से रिएक्ट करा दीजिए NaOH, ये क्या है, अब हम लोग जानते हैं कि ये बेस है, तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी ये अपने आप को एसिडिक नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर या एसिड के जैसा बिहेव करता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, इसे सोडियम एल्युमिनेट बनता है, ओके, इससे बनता है सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2, ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2, और साथ में क्या बनता है, और साथ में बनता है H2O। अब हम लोग जिंक का एग्जांपल लेते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड के नेचर को समझने के लिए। हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड, हम लोग जानते हैं जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोट्रिक नेचर का होता है, तो जिंक ले लिए, एक बार इसको रिएक्ट कराते हैं किसी एसिड से मींस HCl और बेस से मींस NaOH, ओके, देखते हैं क्या होता है, तो ZnO प्लस HCl जब रिएक्ट करता है इससे बनता है ZnCl2, ओके, और साथ में क्या बनता है H2O वाटर। वही जब जिंक ऑक्साइड NaO से रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस क्या बनता है H2O। यहां ध्यान से देखिए ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है। हम लोग क्या जानते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके बेसिक नेचर दिखाता है और बेस के साथ एसिडिक नेचर दिखाता है, मींस जिंक ऑक्साइड जो आपको दिखाई दे रहा है एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कैसा दिखा रहा है, बेसिक नेचर दिखा रहा है, बेसिक, वहीं बेस के साथ ये कैसा हो जा रहा है, एसिडिक, ओके। आप इसे चाहिए तो बैलेंस भी कर सकते हैं, अगर इसे हम लोग बैलेंस करना चाहें तो यहाँ देखिए दो क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ एक क्लोरीन, इसे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, एक ऑक्सीजन, एक जिंक, ओके, ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं Na2ZnO2, यहाँ दो सोडियम दिखाई दे रहा है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा बैलेंस हो जाएगा, कैसे हो गया देख लीजिए, जिंक, एक जिंक, एक जिंक, आपका यहाँ दो ऑक्सीजन और एक तीन ऑक्सीजन, यहाँ दो और एक तीन ऑक्सीजन,
सोडियम आपका दो बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन दो है, यहाँ दो से मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन भी दो हो चुका है। ओके, ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में फर्स्ट मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कैसा हो सकता है और कैसा नेचर का हो सकता है।